हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दो चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो भी लोग आर ओ एरो 2023 का पेपर देने वाले हैं, अटैम्प्ट देने वाले हैं 2023 का आर ओ एरो का, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से चीज़ को समझें, चाहे आप पुराने हो, लाइक आप थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नए हो, बिगनर हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भी मालूम हो, तो भी आपको ये वीडियो सुनना चाहिए। आपको इससे काफ़ी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आएगी। देखिए, पहली चीज़ तो ये जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने शेयर कर दिए हैं। पहले तो वो लोग जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या जिन्होंने पहले भी देखा है लेकिन उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, तो वो सर्च कर लें अनु चतुर्वेदी UPSC, उनको मिल जाएगा। वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अब मेन चीज़ ये है कि मैंने उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। वो 20-25 साल का UPSC का जितने भी पेपर्स मेन होते हैं उन सबका समराइज करके निचोड़ है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो थीम है, उनको अगर आप तैयार करते हो तो गारंटी है कि आप क्लियर कर पाओगे। मैं ये आपको कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो सब आप खुद करोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आपको ये समझना पड़ेगा, ये खुद आयोग ये चीज़ दे रहा है, ये थीम है। जैसे UPSC में आप थीम देखते हो ना कि किससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप टॉपिक पढ़ते हो, वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ है। तो आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब वो टॉपिक्स आप चाहे मेरे से पढ़ो, चाहे आप कहीं किसी कोचिंग से पढ़ो, चाहे किसी सर से पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, चाहे इंटरनेट से पढ़ो, मैटर नहीं करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी को स्मार्टली कर पाओ। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको वो टॉपिक्स तैयार करने हैं। दूसरी चीज़ कि वो जो टॉपिक्स हैं उसको जब आप अच्छे से पढ़ोगे, लाइक अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप उसको 3-4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अपनी डेली चीज़ों में पढ़ते हो, उनसे आपको मिलते हैं। जैसे घटना चक्र हो गई, ल्यूसेंट हो गई, करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, जो आपकी स्टैंडर्ड सोर्सेज है उसमें आपको मिलेंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रैंडम है, रैंडम इन दी सेंस रैंडम, वो आपको कहीं ऐसे नॉर्मली किसी सोर्स वगैरह में नहीं मिलती है। वो आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मिल गई, या फिर आपने ऐसे कहीं पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ कुछ जो आपका कॉमन सेंस है, जो पढ़ते हुए आपने इतना सीखा है उससे आप कर पाते हो। तो कहने का मतलब ये है, हर चीज़ आपको एक जगह पे नहीं मिलेगी। बहुत से लोग जो फेल करते हैं वो इसलिए फेल नहीं करते हैं कि उनके पास दिमाग कम है, या उन्होंने तैयारी ज़्यादा नहीं की है, उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है। वो इसलिए फेल करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और जिस व्यक्ति के पास 8-10 घंटे डेली देने को है, वो तो ये चलो हिट एंड ट्राई कर लेगा, वो तो हिट एंड ट्रायल मार लेगा कि भाई पहले ये पढ़ा फिर दिखा रहे, नहीं नहीं इससे नहीं आ रहा है तो फिर दूसरी चीज़ पढ़ी। लेकिन जो व्यक्ति 8-10 घंटे नहीं दे सकता, जिसके पास लिमिटेड टाइम है, लाइक 2-3 घंटा 4 घंटा, चाहे वो किसी घर की सिचुएशन की वजह से हो या फिर उसके पास इतना टाइम हो ही ना पढ़ने के लिए, मतलब वो पढ़ ही ना पाता हो या पढ़ ही ना पाती हूँ इंसान बैठ के, सो वो इंसान क्या करेगा ऐसे में? उसको तो वो तो हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर सकता। तो वहीं पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये पढ़ लो, इससे इससे ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा इस चीज़ से ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पुराने हो, लाइक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने बेसिक अपना स्टाफ है जो भी तैयार कर लिया है, या आपको मतलब सारी चीज़ें रटी हुई हैं, बेसिकली सब आता है, तो आपके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी करोगे तो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी उतना नहीं है, या आपके लिए अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं शेकी है, कोई पक्का नहीं है कि मेरा आर ओ एरो 2023 में होगा या नहीं होगा, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, आज 16 जून है या 15 जून है, जो भी मानो 17 तारीख है, आज कुछ भी मान लो आप, आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी से लेकर के अगर 4 महीने बाद भी एग्जाम होगा या 5 महीने बाद भी एग्जाम होगा, तब भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप एक चीज़ को समझो, आप प्रिपरेशन को बहुत हल्के में ले रहे हो। अगर आप एक्चुअल में आरओ का पेपर देखोगे, आरओ एरो 2021 का पेपर देखोगे, या अगर आप यूपीपीएससी 2023 का पेपर आपने देखा होगा, या अगर आप थोड़ा भी ट्रेंड को समझ पा रहे हो यूपीपीएससी का, तो आप उस सिंसियरिटी के साथ तैयारी करोगे। आप उस चीज़ को समझो, ये कोई 1-2 महीने की तैयारी नहीं है, ये सिर्फ वीडियो देखने से तैयारी नहीं होगी, चाहे मेरे वीडियोज हो चाहे किसी भी चैनल के वीडियोज हो, वीडियो देखने से तैयारी नहीं होगी। आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एंड आप चीज़ें कैसे कवर कर सकते हो। आपको सोर्स कवर नहीं करने हैं कोई भी चीज़ के, आपको ये नहीं देखना है कि ये टेस्ट सीरीज सारी लगा लें, ये बुक सारी कंप्लीट कर लें, ये घटना चक्र सारी कंप्लीट कर लें, इधर ये कंप्लीट कर लें, उधर वो कंप्लीट कर लें, उधर कोचिंग मटेरियल मुझको मिल जाए, मुझको ये PDF मिल जाए। मैंने देखा है लोग PDF के पीछे बहुत भाग रहे हैं। मैं आपको सारी PDF, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको सारी PDF लिख के दे दूँ, आप सारी ले लो, आप देखोगे आप फेल कर रहे हो। गारंटी है फेल होने की अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे भाग रहे हो। जो आपके पास है पहले उससे मैक्सिमाइज करो। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब फेल होगे तब रियलाइज़ होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ पता है इसलिए बता रहा हूँ, वो चीज़ की है, निकाला है इसलिए बता रहा हूँ, उस चीज़ पे भरोसा कर सकते हो। नहीं करना है तो ठीक है, जब थोड़ा सा फेल हो जाओगे तब पता लगेगा। लेकिन समझो, किसी इंसान ने 6 अटैम्प्ट अपने वेस्ट किए, तो आपको 6 अटैम्प्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट हो तो। अगर आप बेवकूफ़ हो तो आप उस चीज़ को आप भी रेप्लीकेट करके देखो। अगर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के पीछे भागेगा, उतनी ही चीज़ें कन्फ्यूजन होंगी। एग्जाम का पेपर जो पैटर्न है, आपने UPSC 2023 का पेपर देख लो, 2022 का पेपर देख लो, 21 का देख लो, आरओ यारो 2021 देख लो, जो 2016 वाला आरओ का पेपर हुआ था 2020 में उसको देख लो, उसके पहले 2017 वाला हुआ था उसे देख लो। आप देखोगे
कि पूरे पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन, हार्डली 30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो टफ हैं, जो डिफिकल्ट हैं, और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इजी हैं। 120, 125 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन इजी हैं। यार आप टफ के क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो? जो इजी क्वेश्चन है, जो आपके गट्टा चक्र से आ रहे हैं, जो आपके ल्यूसेंट से आ रहे हैं, जो आपके नॉर्मल टेस्ट सीरीज में जो सिंपल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं, जो आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक लाइक जो हर कोई पढ़ता है उससे आ रहे हैं, आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हो। सो आपको पहले ये देखना है कि जो मेरे पास है, अगर आपके पास घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, तो पहले आप उसे मैक्सिमाइज करो, उसमें से बेस्ट निकालो। उसके बाद ये देखो कि हाँ भाई, मुझे पीसन मंत्रा का मटेरियल मिल सकता है कि नहीं, मुझे स्टडी फॉर सोर्स का मेटा मिल सकता है कि नहीं, मुझे डिकोड एग्जाम का मिल सकता है कि नहीं, मुझे अनुजभैया की पीडीएफ मिल सकती है कि नहीं, मुझे ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट का कोई चीज़ मिल सकती है कि नहीं, मुझे टारगेट विद आलोक का कोई चीज़ मिल सकती है कि नहीं, मुझे कोई और कोचिंग अगर चल रही है, यूपीएससी हिंदी अगर चल रही है, तो वहाँ की बैच की मुझे कोई चीज़ पायरेसी करके या टेलीग्राम से चुरा के मिल जाएगी कि नहीं। मैंने देखा है लोग इसी चीज के लिए परेशान है कि मुझे यहाँ से ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भाई कुछ नहीं होगा उससे, बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उससे। यहाँ से अगर आपके पास 8-10 घंटे हैं, 8-10 घंटे हैं तो बात अलग है, आप हर चीज़ हिट एंड ट्राई कर लोगे। अगर आपके पास 8-10 घंटे नहीं है या आपके पास इतना ही टाइम है, 3-4 घंटे, 2.5 घंटे, 4.5 घंटे, फिर मैं आपसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये करो ना करो, लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा दिमाग आपका खुल सके तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आपके पास जो टाइम है उसको कम समय में ज़्यादा निकालने का प्रयास करो। ये देखो कि मैं कम से ज़्यादा कैसे निकाल सकता हूँ या कम से ज़्यादा कैसे निकाल सकती हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मैं टेस्ट सीरीज भी कर लूँ, मैं घटना चक्र भी कर लूँ, मैं ल्यूसेंट भी कर लूँ, मैं सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ लूँ, एक ही सब्जेक्ट की दो दो बुक में पढ़ लूँ, उसके बाद मैं जो कोचिंग है उसके नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेम्पटिंग है, मतलब वो कोचिंग के नोट्स भी ले लें, फिर आपने देखा अरे किसी किसी कोचिंग में जो अभी नया चैनल बनाया उसमें वीडियोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपने वो भी पढ़ना शुरू कर दिया, आप सब चीज़ के पीछे भागोगे, सब पढ़ोगे, और एग्जाम में फिर क्या होगा कि दो ऑप्शन के बीच में डाउट होगा और कन्फ्यूज हो जाओगे, बॉर्डर के आसपास, बॉर्डर लाइन के आसपास आ जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा और फिर फेल हो जाओगे, फिर 3 साल वेट करना कि आरओआरओ की वैकेंसी कब आएगी। इसलिए बता रहा हूँ, बहुत 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 जेन्युइनली ये चीज़ बता रहा हूँ, मतलब शायद अगर समझ सको तो ये चीज़ समझ में आ जाए। पहले जो चीज़ें बेसिक हैं उनको करो। मैंने जो वीडियोज़ डाले हैं उसमें बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने शेयर किए थे उनको पढ़ाना कब चालू करेंगे। आपने लगता है जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेजे थे टेलीग्राम पे या मैंने शेयर किए थे या वो मैंने जो वीडियो बनाए थे, मुझे लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें शेयर किए हैं वो पेपर से ही हैं, वो 20-25 साल का पेपर का एनालिसिस है और वो बहुत मेहनत लगती है उसमें, और उसमें एक एक चीज़ खोद खोद के निकाली है और उन्हीं को मैंने पेपर में पढ़ाना शुरू किया है। मैंने जो चीज़ें उसमें बताना शुरू किया है वो कहीं पे कोई अगर कोचिंग, कोई यूट्यूब पे चैनल अगर वो चीज़ करके तुम्हें बता रहा हो तो मुझे बता देना, लेकिन वो चीज़ लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, उससे वो नई हिंट लेना चाह रहे हैं, लोग उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि आप टॉपिक पढ़ा दो। यार टॉपिक एक बात बताओ, जो चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहे मैं पढ़ा दूँ, चाहे कोई और चैनल पढ़ा दे, चाहे पीसीएस मंत्रा पढ़ा दे, चाहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ा दे, चाहे ज्ञानपीठ पढ़ा दे, चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दे, चाहे अनअकैडमी पढ़ा दे, चाहे कहीं पर भी दुनिया के जितने भी चैनल है कोई भी पढ़ा दे, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट और कॉन्सेप्ट बदल जाएगा? उसकी चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं बदल जाएंगी। तो भाई वो खुद पढ़ लो, या जहाँ से आपने पढ़ा है, लाइक मान लो कि आप अनअकैडमी से पढ़ लो तो आप वहाँ से पढ़ लो ना, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं ऐसा नया क्या पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझसे वो सीखो जो वहाँ आपको नहीं मिल रहा है, या जो मुझसे चीज़ मिल रही है वो मुझसे पढ़ लो। जो तीसरे इंसान से, मान लो आप स्टडी फॉर सोर्सेज के पास गए तो वो चैनल पर देखो कि आपको वहाँ से क्या बढ़िया मिल रहा है, तो वहाँ से वो चीज़ सीख लो। फिर आपने देखा यार पीसीएस मंत्रा के नोट्स में कोई चीज़ बहुत बढ़िया है, या मान लो टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया है, तो आप वो पढ़ लो। मैं अपने वीडियो में चीख चीख के बोलता हूँ कि हाँ भाई DIS की टेस्ट सीरीज बढ़िया है, भाई DIS की टेस्ट सीरीज लगा के देख लो, फायदा हो तो लगा के देख लो। DIS मैंने बोला, DIS या लगा के देख लो, भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना, इट्स जस्ट कि मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि भाई उस चीज़ से मैक्सिमाइज कर सकते हो चीज़ों को, अपने एफर्ट्स को बढ़िया कर सकते हो कम समय में। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, मेरा कहने का मतलब ये, स्मार्ट बनो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं उनको पढ़ना शुरू करो, खुद से पढ़ो। आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल होगा, किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन होगा, कहीं ना किसी आपने, जैसे अनअकैडमी है तो आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा होगा, उनका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, नहीं ले रखा है तो SCS का ले रखा होगा, नहीं ले रखा है तो आपने डिकोड एग्जाम का ले रखा होगा, नहीं ले रखा है तो पीसीएस मंत्रा का ले रखा होगा, नहीं ले रखा है तो किसी और का ले रखा होगा। जहां भी ले रखा है वो मटेरियल से पढ़ना शुरू करो। मैं जो चीजें बताऊंगा वो तुम्हें नई चीजें बताऊंगा, यूनिक चीज बताऊंगा, तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम पढ़ रखा है तुमने, उससे तुमको हेल्प मिलेगी और चीजों को जल्दी समझने में। बिकॉज आप ये समझो कि अगर आप 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो यहां से, तो 3 महीने में, 3.5 महीने में, 4 महीने में आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आप मान के चलो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो पेपर बन रहा है UPSC का वो YouTube वीडियो से बन रहा है या वो किसी PDF से बन रहा है, वो पेपर ओवरऑल बन रहा है। उसमें कुछ कुछ आपको स्टैंडर्ड बुक्स की भी हेल्प मिलेगी, कुछ कुछ आपकी टेस्ट सीरीज भी हेल्प कर जाएगी, कुछ कुछ आपकी घटना चक्र से फंसेगा, कुछ कुछ आपका ल्यूसेंट से फंसेगा, कुछ कुछ आपका जो कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो उससे हेल्प मिलेगी। तो कहीं पर भी एक जगह से नहीं आएगा। सो आप किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते कि हम सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखेंगे तो तैयारी करेंगे, हम सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ेंगे या घटना चक्र पढ़ेंगे तो तैयारी मेरी होगी, सिर्फ हम किसी एक कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो मेरी तैयारी हो जाएगी। किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड होगे तो आप लूज़ करोगे, कोई और कोई चीज़ लूज़ नहीं करेगा।
आपको यह देखना है कि मेरे पास कम समय है और उस कम समय में जैसे आपको रोज डेली 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे मिल रहे हैं, तो ये देखो भाई इन 3 से 3.5 4 घंटों में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता हूं और वो चीज पढ़नी है जो टू द पॉइंट है, कट टू कट है, जो चीज एग्जाम में आने के चांस है। कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। अगर मैं आपको सारी पीडीएफ सब कुछ दे दूं, आप करके देख लो, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो उसमें यह देखो कि भाई क्या आता है और क्या नहीं आता है, जो आयोग में पूछा जाता है वो पढ़ो। हर चीज पढ़ोगे भूल जाओगे। 400 आर्टिकल मान लो है, अब 400 के 400 आर्टिकल रटोगे, अगर मैं तुमसे पूछूंगा सिंपल आर्टिकल भी, उसमें फंबल कर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। या तो तुम 20 बार पढ़ लो, तो 20 बार पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए कम पढ़ोगे, सॉलिड पढ़ोगे, कट टू कट पढ़ोगे, टू द पॉइंट पढ़ोगे, काम की चीज पढ़ोगे, तो एग्जाम में जो आती है वो पढ़ोगे, तो एग्जाम के ज्यादा करीब रहोगे, क्वेश्चन पेपर के ज्यादा करीब रहोगे, पढ़ा पढ़ा लगेगा। सब चीज के पीछे भागोगे कि सब कुछ पढ़ ले, तो आप सोच के देखो, जितनी भी सोर्सेज, जितने भी बुक्स आपके पास हैं, आपके पास देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपरिहार्य है, वो कंपलसरी है करना। जैसे घटना चक्र है, घटना चक्र आपको करना ही करना है। अगर आप यूपीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, आरओएआरओ बीईओ यूपीपीसीएस, घटना चक्र इरिलेवेंट नहीं है। घटना चक्र हर हालत में आपको पढ़नी चाहिए। घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो आपका काम कम समय में ज्यादा रिटर्न देगी आपको, आपका काम आसान होगा। अब कोई इंसान कहेगा नहीं घटना चक्र मत पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सब पढ़ा दूंगा, उस घटना चक्र की कोई वैल्यू नहीं है। तो इट्स जस्ट वो ये करेगा कि वो घटना चक्र का सारा कॉन्टेंट खुद पढ़ा देगा आपको, बात वही हो गई। तो घटना चक्र आपको ईजी वे में वो चीज दे रहा है, इसलिए घटना चक्र को पढ़ लो। दूसरी चीज लूसेंट, लूसेंट पढ़ लोगे तो कम समय में ज्यादा चीज मिल जाएंगी। वही चीज कोई तीसरा इंसान पढ़ाएगा, जैसे मैं कल को अभी लूसेंट पूरी पढ़ाना शुरू कर दूं, वीडियोस बनाना शुरू कर दूं पूरे लूसेंट के, तो आप एक चीज समझो, लूसेंट में कम समय में ज्यादा चीज मिल रही है। मैं वो चीज पढ़ाऊंगा तो वो डुप्लीकेशन हुआ, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट मार रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का एक अपना अलग रोल है। इस चीज के सहारे मत बैठो कि जब मेरी 2.5 महीने की तैयारी हो जाएगी तब मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा या तब मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगी। फेल होना तय है Until unless कि आपने पहले से ही इतनी तैयारी कर रखी है कि आपको टेस्ट सीरीज से सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स रटे हुए हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते नहीं हो, आपको किसी क्वेश्चन में आधे मिनट से ज्यादा समय लगता नहीं है, आपको रिवीजन बहुत तगड़ा आपने कर रखा है चीजों का, पहले की जो भी आपकी तैयारी वो इतनी ज्यादा शार्प और इतनी अच्छी है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपके लिए इट्स लाइक एकदम केक वॉक है, आराम से सारी चीजें निकल रही हैं। सो वो इंसान फिर टेस्ट सीरीज अगर 3 महीने बाद भी लगाएगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाई जो चीज पढ़ो उसका टेस्ट दे लो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा आपने, मान लो एंशियंट हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, घटना चक्र से पढ़ा है, लूसेंट से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, भाई एंशियंट हिस्ट्री का एक टेस्ट पेपर जुगाड़ कर लो, कहीं से भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आजकल खूब पायरेसी हो रही है, धड़ल्ले से हर चीज बिक रही है, हर चीज मिल रही है, ठीक है, वहां से एक टेस्ट पेपर चुरा लो, चुरा बड़ा अच्छा लगता है ना, चुरा लो, दे लो टेस्ट, कम से कम उससे सीख तो लोगे। लेकिन इस चीज के सारे नाम बैठो कि हम बाद में करेंगे, बात कभी नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज हो गई, घटना चक्र हो गई, लूसेंट हो गई, ये तीनों चीजें कंपलसरी है। इसके अलावा जब आप आरओआर को पेपर दोगे, मान लो आप कि दिसंबर में पेपर दोगे तो आपको कम से कम 6 महीने का तो रटा होना चाहिए करंट अफेयर्स, 15 दिन पहले से लेकर के, मतलब 15 दिन पहले का छोड़ दो एग्जाम की डेट से, उसके पहले का आपको 6 महीने का रटा होना चाहिए। उसके जो 2-3 महीने पहले का होगा वो आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, लाइक ऑप्शन में एलिमिनेट कर ले जाओ ऐसा होना चाहिए, लेकिन 6 महीने का तो रटा होना चाहिए। तो आपके पास करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा है। जब एग्जाम करीब आएगा तो आप फिर मैगजीन का देखोगे कि लाओ ईयरली मैगजीन हम कौन सी ले लें, कहां से पढ़ लें, क्या कर लें, तो फिर आप उसके पीछे भागोगे। अच्छा खासा कंटेंट होता है करंट अफेयर्स का। अगर स्टैटिक आप अभी से तैयार करके नहीं चलोगे और उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम के पहले करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहोगे, और करंट अफेयर्स भी बार बार अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो एग्जाम के टाइम में आप 20 में 20 नहीं कर पाओगे, 20 में 15 भी लाने में आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले से स्टैटिक कंप्लीट कर रखा है तो वहां पे आप करंट अफेयर्स पे ध्यान ज्यादा दे पाओगे, और स्टैटिक आपको एंड में सिलेक्शन दिलवाएगा। बहुत ज्यादा अभी करंट अफेयर्स का हाइप हो रखा है कि यार इतने क्वेश्चन आते हैं, इतना आते हैं, अरे यार कितने क्वेश्चन आएंगे, 20-21 क्वेश्चन आरओके पेपर में आएंगे ना, 140 में से 20 से क्या 23 आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे, इसी के आसपास आएंगे। पेपर जब होगा तब देख लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ईश्वर की कृपा रही मैं यहीं रहूंगा, तो देख लेना, ये वीडियो यहीं पड़ा रहेगा पब्लिक, या तो 17 आएंगे या 23 आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाएंगे या एकदम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो स्टैटिक आ रहे हैं ना, रीजनिंग के 10 से 12 इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक के 12 से 13 इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी स्पेशल के 18 से 20 इजी क्वेश्चन आए, यार पहले उनको पढ़ लो। बेसिक क्वेश्चन जो है ना उनको पहले लेना शुरू करो, उनको पढ़ना शुरू करो। उससे क्या होगा ना कि जब तुम टेस्ट पेपर दोगे या जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो तुम्हारे क्वेश्चन यार बनेंगे। तुम्हारी तैयारी चाहे कहीं पर भी हो, लाइक तुम पुराने उसमें टाइम से तैयारी में हो या फिर तुम नया अभी जंप की हो, बट यार तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, तुम्हारे एक लिमिटेड क्वेश्चन बनने लगेंगे। लाइक हिंदी में अगर तुम देखो तो 55 नंबर करीब, और अगर बात करो जीएस की तो 70-75 नंबर तुम्हारे आएंगे, तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि हाँ यार मैं कट ऑफ क्लियर करने के करीब हूँ, मतलब जो एक नॉर्मल जा सकती है उसके मैं करीब हूँ, मेरे 70-70 के आसपास बनने हैं तो मुझे कम से कम 10-15 नंबर और लाने हैं, तो मैं सेफ अपने को मान सकती हूँ मैं कि हाँ मैं कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन के आसपास हूँ, मेरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा यार स्मार्टली चीज़ों को परस्यू करो, मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको पढ़ना शुरू करो। मैं भी बताऊंगा और मैं ऐसी चीज़ बताने का प्रयास करूंगा जिससे तुम्हारी तैयारी में तुम्हें हेल्प मिले, तुम कुछ नया पढ़ो। जो चीज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे 10 लोग पढ़ा रहे हैं मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा तो तुम्हें क्या नया मिलेगा ये बताओ।
सब लोग पढ़ा रहे हैं आजकल, तुमने देखा होगा यार डिजिटल बोर्ड पे लगा कर सब वो लोग वही चीज़ पढ़ा रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, सारे फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, डीपीएसपी है तो सारे डीपीएसपी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में सारी चीज़ पढ़ाएंगे, वही सब सब चीज़ वही है। अगर नोट्स की बात करोगे हर चैनल का अपना अपना एक नोट्स है, हर कोई सबकी कोचिंग है सबके नोट्स हैं, ठीक है, सब वही चीज़ कर रहे हैं मोर ऑर लेस, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, किसी में कुछ भी लिखा है किसी में अच्छा लिखा है, बस यही तो है ना। सो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं जो अपने चैनल पे चीज़ आपको दूंगा वो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगी, वो मेंटरशिप बोलते हैं उसको, आपको गाइड करेगी वो चीज़, आप उसको एनालाइज करो। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, आप उसको एनालाइज करो, मैं जो भी बता रहा हूँ आप उसको ट्राई करके देखो कि ये चीज़ एक्चुअल में है कि नहीं है, कि बस ऐसे ही चल रहा है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपका क्या लेवल है इस समय। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए हैं, अब मान लो उन्होंने चार वीडियो मेरे देखे, चार वीडियो वो दूसरे चैनल पर जाके देखते हैं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे YouTube का गेम मालूम है, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, मुझे पता है जो लोग यहाँ देख रहे हैं चैनल वो एक जगह और भी देखते हैं, एक जगह और भी देखते हैं। प्रॉब्लम मुझे नहीं है कि आप देखते हो, आप देखो, लेकिन आप ये भी समझो आपका टाइम जा रहा है। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किन सोर्स से कहाँ से पढ़ोगे, कौन सी यूट्यूब चैनल देखोगे, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे। यही तो टॉपर चीख चीख के गए हैं ना कि भाई हर सोर्स की, हर सब्जेक्ट की एक या दो सोर्स पढ़ो केवल, वो भी तब दूसरा सोर्स लो जब आपने एक सोर्स को कंप्लीट कर लिया हो। करंट अफेयर्स का पहला एक सोर्स अच्छे से पढ़ो, देन आप दूसरे सोर्स पे जंप करो। यही तो टॉपर्स चीख चीख के गए हैं ना जिनको आप, जिनकी स्ट्रेटजी देखते हो। तो आपको ये